ओके सर। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग सब कैसे हो? बहुत अच्छे हो शायद। नया महीना शुरू हो गया अभी हम लोगों का, नया मंथ जनवरी, फर्स्ट मंथ 2022 का पहला मंथ हम लोगों का ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो नया मंथ हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, फरवरी, आज 3 तारीख है। तो आज नए मंथ में लगभग शुरुआत हुआ है, 2 तारीख से हम लोगों का बिजनेस स्टार्ट होता है, आज 3 तारीख है। तो 3 तारीख से मैं एक ऐसा सेशन आप लोगों के साथ करने वाला हूँ जो मेरा सबसे फेवरेट है। ये जो ट्रेनिंग सेशन है ये मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है, क्योंकि मेरे हिसाब से, मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेनिंग आज होने वाला है, ये जो सेशन आज होने वाला है, मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान का 140 करोड़ इंसान को देखना चाहिए। पूरा जितना इंडियंस है ना, सिर्फ इंडिया तो छोड़ दो, पूरे दुनिया में जितने इंसान है, 750 करोड़, पूरे वर्ल्ड में जितना इंसान है, सबको ये ट्रेनिंग देखना चाहिए, ये सेशन अटेंड करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये सेशन, ये ट्रेनिंग आपका जिंदगी बदल सकता है सर। पूरे वर्ल्ड में हर किसी को ये सेशन, मेरे लिए, मेरे पर्सनल जो थॉट है, ये ट्रेनिंग हर किसी को, ये नॉलेज हर किसी के पास होना चाहिए। वो नेटवर्क मार्केटिंग करे या ना करे, वो वेस्टिज में हो या ना हो, सबको ये नॉलेज 100% होना बहुत जरूरी है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो मतलब सेशन, आपने के देखा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करेंगे, आज का एक बहुत मतलब क्या बोलते हैं, सेंसिटिव टॉपिक, मैं बोलूंगा ये वर्ड टर्म यूज करूंगा कि सेंसिटिव टॉपिक है। नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग क्यों करेंगे? हम लोगों के पास पैसे कमाने का बहुत सारे रास्ता है, हम लोग नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारा सीन है। तो मैं एक प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगा, उसके साथ बहुत सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या है, नहीं है, कैसे करेंगे, क्या क्या चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, वो भी चीज आपको डिस्कस किया जाएगा। मैं आपका पीपीटी जो है वो शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं एक के बाद आपके साथ बात करूंगा। चलिए देखते हैं। सर दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस। ओके सर। सो नेटवर्क मार्केटिंग ये ऐसा एक शब्द है ना, मतलब जब कोई सुनता है, आप भी देखते हो, कोई जब ये शब्द बोलता है ना, मतलब कान में से धुआं निकलने लगता है, ऐसा ही होता है ना लोग। मतलब पिछले 2 साल से, ये कोरोना जब से शुरू हुआ है, पेंडेमिक जब से शुरू हुआ है, ये 2 साल से हम लोग एक वर्ड सुने हैं जिसको बोला जाता है सोशल डिस्टेंसिंग। सही है कि नहीं? सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग सुनते हैं, लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन है ना, उनमें, उनके साथ तो सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कई सालों से चलता आया हुआ है। पिछले बहुत साल से मैं देख रहा हूँ मेरे साथ सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है, सिर्फ कोरोना के टाइम पे तो यह नया है ना, बाकी लोगों के साथ हुआ है, लेकिन जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन है उन लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत साल से चल रहा है। हम लोग जब किसी मार्केट में काम करने जाते हैं, लोग हमारे साथ डिस्टेंस बना लेते हैं। हम लोग अगर मतलब क्या बोलते हैं, राइट साइड से जाते हैं तो लेफ्ट साइड से वो चलना शुरू करते हैं, हम लोगों के साथ ये डिस्टेंस हो जाता है। क्यों? ज्यादातर लोग क्यों डरते हैं इस वर्ड से, नेटवर्क मार्केटिंग इस शब्द से क्यों डरते हैं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज्यादातर लोगों को नॉलेज ही नहीं है। जो नेगेटिव नॉलेज उनके पास है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों के पास नेगेटिव नॉलेज है, इसके बारे में क्लियर कोई पिक्चर क्लियर नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। तो इस कारण से मैं आपको बताऊंगा आज नेटवर्क मार्केटिंग चीज क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, और नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग काम क्यों करेंगे। ये सर कुछ बोल रहे हैं सर आप? नहीं नहीं। ओके सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में हम काम क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो पैसा कमा रहे हैं, हम लोग कोई, आप कोई नौकरी कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कोई आपका छोटा मोटा दुकान चला रहा है, अलग अलग काम हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोगों को अच्छा लगता है, जिसको जो अच्छा लगता है। आप भी अपने आस पड़ोस में देख लो, दोस्त में देख लो, रिश्तेदार में देख लो, अलग अलग जगह में जिसको जो अच्छा लग रहा है वो काम कर रहा है। तो क्या क्यों कर रहा है, कुछ ना कुछ तो रीजन है ना उसके पीछे। तो उसी रीजन से मेरा जो आज का टॉपिक है, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर क्यों चूज करेंगे। हमारे पास तो पैसा कमाने का, जिंदगी गुजारने का बहुत सारा रास्ता है, बहुत सारे रास्ते हमारे पास है, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, वेस्टिज ही क्यों? और भी तो रास्ता है, हम लोग तो नौकरी भी कर सकते हैं, हम लोग तो बिजनेस भी कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा दुकान भी लगा सकते हैं, और भी कुछ काम कर, बहुत सारा काम आज के डेट में अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग क्यों करेंगे। तो ये टॉपिक है आप लोगों का। तो चलिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है उसको समझते हैं, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई यू।
क्यों नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है और आप क्यों करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करेंगे, तो एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल्स में। चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। आप लोग नोट करिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, ये सेशन जब खत्म होगा ना, आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप लोगों का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग देखने का जो नजरिया है ना, वो पूरा बदल जाएगा और नेटवर्क मार्केटिंग एज अ करियर आप ले पाएंगे। जो लोग अभी तक नहीं लिए है ना, वो लोग भी ले लेंगे एज अ करियर नेटवर्क मार्केटिंग को। पहला पॉइंट, आप लोग जो काम कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई छोटा मोटा दुकान, जो जो प्रोफेशन के बारे में मैंने बताया, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई लॉयर है, कुछ भी प्रोफेशन हो, क्यों कर रहे हो आप, उसके पीछे का रीजन क्या है। एट द एंड ऑफ द डे जो रीजन है ना, पैसा, इनकम। आप कुछ भी काम कर रहे हो उसका एट द एंड ऑफ द डे रीजन है पैसा कितना आ रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एक लौता प्रोफेशन है जहां से आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो सर। एक लौता प्रोफेशन है जहां से आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, ये सबसे बड़ा चीज है। वेस्टेज सिस्टम आपको ऐसा मौका दे रही है जहां से आप अपने हिसाब से पैसा कमा सकते हो। नौकरी में क्या होता है, आपका इनकम कौन डिसाइड करता है, आपका बॉस डिसाइड करता है, आप डिसाइड नहीं करते। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो गवर्नमेंट में सरकार आपकी नौकरी सैलरी डिसाइड करती है, आप डिसाइड नहीं करते। अगर आप प्राइवेट जॉब में हो, आपका बॉस आपका सैलरी डिसाइड करता है, आपका कंपनी आपका सैलरी डिसाइड करता है, आप डिसाइड नहीं करते। बिजनेस में भी ना, आपका इनकम कितना होगा वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ट्रेडिशनल बिजनेस में कस्टमर के आने जाने के ऊपर बहुत सारा चीज डिपेंड करता है। दुनिया का कोई भी प्रोफेशन ले लो जहां पे आप खुद का इनकम खुद डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एक लौता प्रोफेशन है जहां पे आप खुद का इनकम खुद डिसाइड कर सकते हो, उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो, उस हिसाब से काम कर सकते हो। और यहाँ पे इनकम का कोई लिमिट नहीं है सर, अनलिमिटेड इनकम कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे वेस्टिज में है। सबसे जीता जाता एग्जाम्पल हमारे प्रवीर रॉय सर है। आप देख लो जितने भी वेस्टिज के टॉप अचीवर आप देखोगे, सिद्धार्थ सर को आप देख लो, एक इंसान महीने का 1 करोड़ रुपया कमा रहा है इस नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन से, जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे एशिया में नंबर 1 पोजीशन में है। एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा पूरे जिंदगी में 1 करोड़ रुपया नहीं कमा पाता। जो मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं ना, वो पूरी जिंदगी में 1 करोड़ कमा नहीं सकता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्रोफेशन है, वेस्टिज ऐसा प्रोफेशन है जहां से आप महीने का 1 करोड़ कमा सकते हो, और आने वाले दिन में ये 1 करोड़ का भी लिमिट नहीं रहेगा। ये 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कहां पे जाएगा, स्काई इज द लिमिट। एक चीज आप याद रखना, स्काई इज द लिमिट रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आप पैसे के लिए ही तो काम कर रहे हो ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपका एक लौता प्रोफेशन है जहां से आप इतना पैसा अनलिमिटेड कमा सकते हो, ये सबसे बड़ा चीज है, याद रखना सर। आप तो अपने हिसाब से आप इनकम कर सकते हो, ये पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, इनकम एंड फैमिली सिक्योरिटी। आप इनकम तो कर रहे हो लेकिन उसका कोई सिक्योरिटी नहीं रहता सर। इनकम तो आप कर रहे हो लेकिन इनकम का अगर कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो इस इनकम का कोई फायदा नहीं है। आज के डेट में बहुत सारे लोग इनकम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं से इनकम तो कर रहे हैं लेकिन उसका कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्रोफेशन है जहां से आपका इनकम का सिक्योरिटी रहता है, ये सबसे बड़ा चीज है। आपका इनकम जो है ना, वो आपका सिक्योर्ड है। अगर इनकम सिक्योर्ड रहेगा, आपका फैमिली भी सिक्योर्ड रहेगा। अगर इनकम सिक्योर्ड रहेगा ना, तो आपका फैमिली भी सिक्योर्ड रहेगा। तो वेस्टिज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका इनकम सिक्योर्ड ऑलरेडी हो चुका है। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, आप जो लोग आज दुनिया में नहीं है, जो लोग आज दुनिया में नहीं है उसका फैमिली सिक्योर्ड है, क्योंकि जो इनकम वो कर रहा था उससे कई गुना ज्यादा इनकम आज के डेट में उसका फैमिली ले रहा है। ये सबसे बड़ा चीज है सर। आज के डेट में आप जाओ दूसरे किसी प्रोफेशन में, आप काम करोगे पैसा आएगा, काम करोगे पैसा आएगा, काम करना बंद कर दिया इनकम आना बंद हो जाएगा सर। तो वहां पे सिक्योर नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इनकम तो आएगा ही आएगा, अनलिमिटेड इनकम आप कमा सकते हो, उसके साथ आपका इनकम सिक्योरिटी भी आपको मिलेगा जो दूसरे प्रोफेशन में आपको नहीं मिलता है। आप कितने बड़े नौकरी कर लो, कुछ भी कर लो, सिक्योर नहीं है। और वो कोरोना पेंडेमिक आके हम लोगों को बता दिया कि हम लोग कितने अनसिक्योर जोन में है। पिछले 2 साल में करोड़ों लोगों की नौकरी जा चुकी है सर, बड़े बड़े बिजनेस बंद हो चुके, अभी तक लॉस में चल रहा है कोरोना के कारण। बहुत बड़े बड़े बिजनेस लॉस में चल रहा है, बड़ा बड़ा कंपनी बंद हो गया, लोग फ्रस्ट्रेटेड है, पागल हो चुके हैं, इस हालत में क्या करेंगे। लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग को देख लो, आप वेस्टिज को देख लो, कंटिन्यूअसली इनकम ग्रो कर रहा है।
वेस्टिज के जितने लीडर है ना उनका इनकम कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, इसी को नेटवर्क मार्केटिंग का पावर बोला जाता है। हर दूसरे प्रोफेशन में आपका सैलरी का कट हो रहा है, या तो नौकरी जा चुके, बड़े बड़े मैंने भी देखा है 50,000 60,000 सैलरी मिलता था, 1,00,000 सैलरी मिलता था, बड़े बड़े मैनेजर के पोस्ट पे जॉब करते थे, आज उनके पास खाना खाने का पैसा नहीं है, ऐसा हालत हो चुका है सर। कैसे उसको फैमिली रन करना है ये उसको मालूम नहीं है, ऐसा हालत हो चुका है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्रोफेशन है जहां से आप अनलिमिटेड पैसा भी कमा सकते हो और पैसा आपका सिक्योर्ड भी रहेगा सर। ये आपका दूसरा पॉइंट है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम जो सबसे बड़ा पॉइंट है। अब फाइनेंशियल फ्रीडम के मतलब इस वर्ड का मतलब क्या समझते हो आप लोग? फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम उसको बोला जाता है आर्थिक आजादी, हिंदी में अगर बात करें तो आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी इस चीज को बोला जाता है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपको पैसे के लिए चिंता ना करना पड़े। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपको पैसे के लिए कभी चिंता ना करना पड़े, ये सबसे बड़ा चीज है। उसको बोला जाता है कि आर्थिक आजादी, मतलब कुछ भी करने जाओ, कुछ भी खरीदने जाओ। ज्यादातर मिडिल क्लास में क्या होता है आप देखते हो, कुछ खरीद लिया, मान लो आपका कोई शर्ट लेने का, जैसे मान लो दुर्गा पूजा में हम लोग शर्ट लेते हैं, खरीदने गए तो एक शर्ट आपको अच्छा लगा, अपने बच्चे के लिए हो सकता है, आपके खुद के लिए हो सकता है, आपके वाइफ के साड़ी के लिए हो सकता है, तो एक साड़ी आपको पसंद आया, दूसरा वाला भी उसको पसंद आ रहा है, लेकिन आपका बजट नहीं है, आप किसी एक को ले सकते हो, दो साड़ी आप एक साथ परचेस नहीं कर सकते, तो उसमें क्या करना पड़ता है, हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये अलग अलग जगह पे होता है सर। तो हम लोग फाइनेंशियल फ्री नहीं है, फाइनेंशियली फ्रीडम हमको नहीं मिला है अभी तक, इस कारण से ये प्रॉब्लम आता है। तो हर जगह पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते रहते, कभी हर वक्त करते रहते। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम है, वेस्टिज ऐसा सिस्टम है जहां पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, जिसके लिए पैसे के लिए आपको कोई टेंशन ना रहे, आप पैसे के लिए कोई काम आपका रुक ना जाए, आप कुछ भी कर सकते हो, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, जिसको बोला जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। टाइम फ्रीडम। पैसा आप बहुत कमा रहे हो, बहुत सारे लोगों के पास बहुत आप देखे होंगे आसपास में, अगर आप देखोगे थोड़ा, ऐसे लोग हैं जिसके पास पैसा है, महीने का 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख कमा रहा है, इतना इससे ज्यादा नहीं, 1.5 लाख 2 लाख कमा रहा है, लेकिन टाइम नहीं है सर। आप सॉल्ट लेक में चले जाओ, हमारे कलकत्ता के सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में चले जाओ, आईटी फील्ड में विप्रो टीसीएस कॉग्निजेंट बड़े बड़े आईटी कंपनी है, बड़े बड़े पोस्ट में जॉब कर रहे हैं सर, 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख सैलरी मिलता है, लेकिन उनका सर पर्सनल लाइफ बोल के कोई टाइम नहीं होता सर। फैमिली के साथ घूमने जाना, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, ऐसा टाइम नहीं होता है सर। उनको कंपनी पूरा खरीद के रखा है, कोई टाइम नहीं होता उनके पास, बिजी रहता है, पैसा बहुत दिया है सर। आपको लगता है ऐसा कोई जिंदगी का कोई फायदा भी है, आपके पास करोड़ों रुपया भी आ जाए, लेकिन अगर आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा है सर? बहुत सारे लोग, हम लोग जब बात करते हैं ना फोन में, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, इन्वाइटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास तो टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ, सुबह से लेके शाम तक बहुत बिजी रहता हूँ सर। सर इसको अचीवमेंट मानते हो आप क्या? इसको अचीवमेंट रखता हो, ये प्रॉब्लम है सर आपके लाइफ का, आपके पास टाइम नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो वही तो कमाना है नेटवर्क मार्केटिंग में, वही तो कमाना है, जो नहीं है आपके पास उसी को तो कमाना है। आपको टाइम इनकम होगा यहां से, आप टाइम के फ्रीडम को ले सकते हो, ये सबसे बड़ा चीज है। आप हमारे आसपास में अगर देखोगे, दो कैटेगरी के इंसान है जिसके पास, या तो पैसा है तो टाइम नहीं है, टाइम है तो पैसा नहीं है, ये दोनों ही कैटेगरी आपको मिलेंगे। जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, और अगर कोई बिजनेसमैन है ना, दुकान खोल के बैठा है, उसके उसका तो छोड़ दो, वो खुद के दुकान में मतलब नौकरी कर रहा है, कहने को तो वो बिजनेस कर रहा है लेकिन वो खुद के दुकान में नौकरी कर रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब मान लो घर में कोई शादी आ गया, कोई क्लोज रिश्तेदार, मतलब फूफा का लड़का हो गया, बुआ का बेटी हो गया, ऐसे क्लोज, अपने बहन का शादी है, कुछ भी क्लोज रिश्ता आ गया ना, जहां से मान लो आपका 4-5 दिन का इनविटेशन रहता है, मैरिज पार्टी में भी इनविटेशन है आपको, रिसेप्शन में भी इनवाइट है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता सर। आप देख लो ऐसे लोग क्या करते हैं, उनके बीवी और बच्चे को भेज देते कि तुम लोग चले जाओ, मैं शादी के दिन शाम को पहुंच जाऊंगा, जिस दिन शादी है उस दिन शाम को मैं पहुंच जाऊंगा, उसके पहले मैं नहीं आ सकता, इतना छुट्टी मैं नहीं ले सकता। तो क्या फायदा है सर ऐसी जिंदगी का? आपके पास करोड़ों रुपया भी बैंक अकाउंट में पड़ा रहे और उसको आप एंजॉय नहीं कर पाओ, कोई फायदा नहीं है सर। तो अगर आपको दोनों चीज चाहिए कि मेरे पास टाइम भी हो, मेरे पास पैसा भी हो, अगर दोनों चीज आपको चाहिए, आपके पास दुनिया का एक लौता ऑप्शन है जिसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, और कोई रास्ता नहीं है सर। अगर आप दोनों चीज चाहिए, बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे, जैसे मैंने बताया पैसा है टाइम नहीं है, ऐसे आपका काम नहीं चलेगा।
और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिसके पास टाइम तो बहुत है, पूरे दिन में टाइम जिसके पास बहुत है लेकिन पैसा नहीं है, तो दोनों से ही आपका काम नहीं चलेगा। आपको ऐसा जिंदगी चाहिए जहां पे आपका पैसा भी हो और आपके पास टाइम भी हो। अगर दोनों को आपको चाहिए ना, एक लौता प्रोफेशन जो आपको दे सकता है वो है नेटवर्क मार्केटिंग, और जो आपका है वेस्टिज बिजनेस, और कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं सर। तो आप पैसे के साथ आपके टाइम फ्रीडम को भी एंजॉय कर सकते हो, कहीं पे भी घूमने जा सकते हो, फैमिली के साथ आप एक महीना दो महीना कहीं पे भी वेकेशन मनाओ, कोई रोक नहीं सकता। आज प्रवीण सर पूरा महीना अगर काम भी ना करे ना तो पैसा आता रहेगा सर, लाखों रुपया इनकम आता रहेगा। वो अगर चाहे सर, अगर मान लो फैमिली को लेके, उनके वाइफ को लेके, बच्चे को लेके अमेरिका घूमने जाना चाहता है, एक महीना दो महीना तीन महीना रहना चाहता है, कोई रोक नहीं सकता सर, उनका पैसा ऑटोमेटिकली आता रहेगा। ये सबसे बड़ा टाइम फ्रीडम है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो दूसरे प्रोफेशन में नहीं होता सर, एक लौता प्रोफेशन है जहां से हो सकता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, कितने का सपना है ये चैट बॉक्स में लिखिए सर, कितने कितने लोगों का सपना है चैट बॉक्स यूज करिए। ऐसा घर किसको चाहिए, किसको चाहिए ऐसा एक ड्रीम हाउस, सोच के देखिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां से आप अपने सपनों का घर बना सकते हो सर। मैं 1 BHK 2 BHK फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूं सर, जो फोटो में आप देख रहे हो ना ऐसा बंगलो की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अगर ऐसा बंगलो आपको बनाना है ना, ये ऐसा बंगलो हर कोई चाहता है, आप एक बंदा आपको नहीं मिलेगा जिसको ऐसा घर नहीं चाहिए। लेकिन अगर चाहिए तो आपके पास उसको बनाने के लिए एक ही रास्ता है, जो है नेटवर्क मार्केटिंग और जो है वेस्टिज बिजनेस, और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप देख लो वेस्टिज में ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे लीडर है जो करोड़ों रुपया का घर बना चुके हैं, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का बंगलो बना चुके हैं। यूट्यूब में जाओ सर्च करो आपको मिल जाएगा, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो ऐसे अपने खुद का ड्रीम हाउस बंगलो, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे बंगलो में रहते हैं ना, बड़े बड़े फिल्म स्टार को हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं, ऐसे बड़े बड़े बंगलो में वेस्टिजियन आज रहते हैं सर, जिसमें हर तरीके का सुविधा फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ पे स्विमिंग पूल है, थिएटर है, स्क्वाश है, हर कुछ है, जिम है, हर कुछ है उसके बंगलो के अंदर। तो आप भी अपने हिसाब से उस तरीके का ड्रीम हाउस बना सकते हो। क्लियर है सर? अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, ड्रीम कार, सपनों का घड़ी। मैंने कुछ दिन पहले एक ग्रुप में एक पोस्ट डाला था, आप लोगों ने देखा होगा क्या, शायद मुझे याद नहीं है। पोस्ट में सिंपल लिखा होता है कि आप उतना दिन, उतने दिनों तक मेहनत करो, जब तक आप उतने दिन तक मेहनत करते रहो जब तक आपका जो गाड़ी है ना उसका दरवाजा हॉराइजॉन्टली ना खुले। आपके गाड़ी का दरवाजा जो है वो हॉराइजॉन्टली जब तक ओपन ना हो तब तक आप मेहनत करते रहो। और वही फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं आज, ये हॉराइजॉन्टली खोलने वाला जो दरवाजा है ना, उसमें लैम्बोर्गिनी आता है, फेरारी आता है, ऐसे बड़े बड़े गाड़ी आपको मिलेंगे सर। तो सपनों का अगर गाड़ी लेना है ना, मैं ऑल्टो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं होंडा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सपनों का लग्जरी कार की बात कर रहा हूं सर। वेस्टिज में ऑलरेडी ये प्रूव हो चुका है, नेटवर्क मार्केटिंग में ये प्रूव हो चुका है, जहां से आप ये कर सकते हो, ये सबसे बड़ा चीज है। तो अगर आपको सपनों का गाड़ी लेना है तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, वेस्टिज बिजनेस से आप कर सकते हो। वेस्टिज में लगभग 300 के ऊपर आज के डेट में लोग है, 350-400 के आसपास ये फिगर जा चुका है, जो अपने सपनों का गाड़ी ले चुका है सर, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगुआर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े गाड़ी। और आने वाले दिन में लैम्बोर्गिनी भी मिलेंगे आपको, फेरारी भी मिलेंगे, प्राइवेट जेट भी मिलेगा, हेलीकॉप्टर भी मिलेगा सर, ऐसे दिन आने वाले हैं, आप देखते जाओ क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का ऐसा लौता प्रोफेशन है जहां से ये हो सकता है, और कोई प्रोफेशन नहीं है सर। नेक्स्ट है ह्यूज प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। बहुत सारे लोग आज दुनिया का जितना आप अमीर आदमी का लिस्ट देखोगे ना, जिसमें फोर्ब्स मैगजीन आता है, आपको शायद आपने शायद सुना होगा एक मैगजीन के बारे में जिसका नाम है फोर्ब्स, फोर्ब्स मैगजीन में टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन का नाम आता है, उनमें एक चीज देखा जाता है, आपके पास एसेट कितने हैं, प्रॉपर्टी कितना है आपके पास। तो एसेट्स यहां से आप अनलिमिटेड बना सकते हो, जितना सा है, आपको घर खरीदो, आप बंगला खरीदो, आप कोई बैंक में इन्वेस्ट करो, आप कोई FD बनाओ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आप प्रॉपर्टी ले लो, कुछ भी करो आप सर, अनलिमिटेड है, क्योंकि एसेट ही वो ऐसा चीज है जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई करेगा। एसेट्स ऐसा चीज है ना जहां से आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वो मल्टीप्लाई होता है। तो जो आप इस बिजनेस से कर सकते हो, नॉर्मल बिजनेस से पॉसिबल ही नहीं है सर। लोग छोटा मोटा एक घर, मतलब क्या बोलते हैं, होम लोन लेके, हाउस लोन लेके एक छोटा मोटा 1 BHK 2 BHK 3 BHK फ्लैट खरीदते हैं,
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से आप जितना चाहे प्रॉपर्टी बना सकते हो, आप गोल्ड खरीद सकते हो, कुछ भी खरीदो जो प्रॉपर्टी और एसेट में आ सकता है। जितना आप एसेट बढ़ाओगे आपका वैल्यू उतना बढ़ेगा सर। तो यहां से आप अनलिमिटेड प्रॉपर्टी एंड एसेट्स बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अनलिमिटेड बैंक बैलेंस। आपका जो सेविंग्स अकाउंट है ना, एक बार चेक करो कितना पैसा है सेविंग्स अकाउंट में, कितना बैंक बैलेंस है चेक करके देख लो। अनलिमिटेड करना है सर। एक कोट मैंने पढ़ा था बहुत दिन पहले, जब तक आपका बैंक बैलेंस मोबाइल नंबर की तरह ना दिखे तब तक मेहनत करते रहो। जब तक आपका बैंक बैलेंस मोबाइल नंबर की तरह मतलब 10 डिजिट में ना आए तब तक आप मेहनत करते रहो, दिन रात मेहनत करते रहो। इस बिजनेस से सब वही हो सकता है। आप कितना कमाना चाहते हो वो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, कोई आपको नहीं बोलेगा। आपका माइंड जितना सपोर्ट करता है उतना आप कमा सकते हो सर। आपका माइंड जितना सपोर्ट करता है, इस बिजनेस में उतना ताकत है। जहां पे आप जब खर्चा करने जाओ, कुछ खरीदने जाओ, आपको सोचना ना पड़े, बैंक बैलेंस देखना ना पड़े, अरे मेरे बैंक में तो अभी तो बैलेंस नहीं है कैसे खरीदूं, अभी तो पैसा नहीं है कैसे खरीदूंगा, अभी ये सोचना ना पड़े सर। जहां पे जाओगे कार्ड पंच करोगे ऑटोमेटिकली कि वो चीज आप ले सकते हो। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी एसेट्स इन्वेस्टमेंट हो सकता है, फैमिली के साथ एंटरटेनमेंट हो सकता है, कुछ भी लेना हो आपको, घूमने जाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहां से आप अनलिमिटेड बैंक बैलेंस खड़ा कर सकते हो सर। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। नेक्स्ट, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि घूमना मुझे बहुत पसंद है। मैं घूमने का बहुत शौकीन हूं सर। एक जैसे बोलते हैं ना लोगों को, क्या बोलते हैं, ड्रिंक करने का नशा होता है, किसी का ड्रग का नशा होता है, किसी को सिगरेट का नशा होता है, मुझे घूमने का नशा है सर। तो वर्ल्ड टूर विद फैमिली, आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ पूरा दुनिया घूम सकते हो वेस्टिज के साथ सर। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्रोफेशन है जहां से आप पूरा दुनिया घूम सकते हो, वर्ल्ड टूर कर सकते हो, जहां दूसरे प्रोफेशन में पॉसिबल ही नहीं है सर। दूसरे प्रोफेशन में क्या होता है सर, दीपूदा, बंगाली में एक वर्ड बोला जाता है। जितने लोग बंगाली है जो सुन रहे हैं मुझे अभी मीटिंग में, जितने बंगाली है वो लोग समझ पाएंगे मेरी बात को। दीपूदा एक टर्म आता है, दीपूदा, दीघा पुरी दार्जिलिंग, दीघा पुरी दार्जिलिंग, इसके ज्यादा हम, इसके मतलब बाहर हम लोग सोच ही नहीं पाते। क्यों? सबसे बड़ा दो कारण है, एक तो टाइम का प्रॉब्लम, दूसरा है पैसे का प्रॉब्लम। वेस्टिज आपका एक लौता प्लेटफॉर्म है, एक लौता नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन है, जहां से आप पूरा हिंदुस्तान तो छोड़ दो, पूरे दुनिया पे आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं पे भी जाओ। आने वाले दिन में आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे लीडर, जो अभी मान लो कोई लीडर होगा ऑस्ट्रेलिया में, कोई होगा अमेरिका में, कोई होगा स्विट्जरलैंड में, कोई होगा पेरिस में, वहां से शायद वो लोग मीटिंग कर रहे होंगे, हो सकता है सर। प्रवीर सर को आप देखोगे जूम में 8:30 बजे, प्रवीर जो है सर स्विट्जरलैंड में बैठे हुए, ऐसा दिन आने वाला है सर, आप वेट एंड वॉच। स्विट्जरलैंड में प्रवीर सर बैठे हुए, ऐसे हो सकता है। कृष्णेंदु सर बैठे होंगे ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे अलग अलग लीडर अलग अलग जगह पे बैठे होंगे सर, ऐसा दिन आने वाला है। तो वेस्टिज आपको वो मौका दे रही है, अगर आप दुनिया घूमना चाहते हो, दुनिया देखना चाहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग एक लौता प्रोफेशन है, वेस्टिज एक लौता प्रोफेशन है जहां से आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट, इसको मैं क्या बोलूं, मतलब आप खुद पढ़ लो, ये जो लिखा हुआ है आप खुद ही पढ़ सकते हो, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो, आप खुद ही पढ़ लो। ये जिंदगी आपको चाहिए सर, ऐसा लाइफ आपको चाहिए, लोन फ्री लाइफ ये चाहिए आपको सर। नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये दे सकता है। आज के डेट में आप जितने भी लोगों को देख रहे हो ना, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है ना, जितना भी कमा रहा है आप देख लो चेक करके, उसका 70-80% पैसा लोन में जा रहा है सर। उसका 70-80% या तो 90% पैसा लोन में चला जा रहा है, आप चेक करके देख लो। घर का लोन, गाड़ी लिया है तो गाड़ी का लोन, अगर बाइक लिया है तो बाइक का लोन, एसी का लोन, फ्रिज का लोन, वॉशिंग मशीन का लोन, और आज के डेट में मोबाइल भी लोन में मिलता है सर। सब कुछ लोन में मिलता है, ईएमआई में चल रहा है। और अगर पर्सनल लोन तो ले लिया, किसी प्राइवेट जगह से पर्सनल लोन नहीं लिया, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो गए आप। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। मेरा एक जायज पहचान का इंसान है, वो एक टाइम पे एयरफोर्स में जॉब करता था, ठीक है, एयरफोर्स में नौकरी करता था। एयरफोर्स से जब रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट होने के बाद उसको पेंशन मिलता है लगभग 19,000 से 20,000 के आसपास, ठीक है, 19,000 से 20,000 के आसपास उसको पेंशन मिलता है एयरफोर्स से। और आज के डेट में वो बंदा ऑटोमोबाइल में जॉब करता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का उसका बहुत सारा नॉलेज है, उसमें डिग्री भी लिया था उनने,
तो महिंद्रा कंपनी आपको मालूम है, महिंद्रा का जो बड़े बड़े आप शोरूम देखते हो ना, मारुति का देख लो, महिंद्रा देख लो, होंडा देख लो, जैसे अलग अलग जगह पे जहां पे गाड़ी बिकता है, ऐसे एक शोरूम में वो जॉब करते हैं, ठीक है। तो वहां पे जनरल मैनेजर है वो, तो वहां का जितना सैलरी उनको मिलता है लगभग 50,000 के आसपास, एज अ जीएम उसको 50,000 के सैलरी मिलता है और पेंशन मिलता है लगभग 20,000 के आसपास। लेकिन आपको कितना दिखेगा फिर, टोटल इनकम कितना हुआ, 70,000, 50,000 सैलरी मिल रहा है आज के डेट में, 20,000 पेंशन मिल रहा है। 70,000 में से वो जो 50,000 आ रहा है ना, उसका पूरा का पूरा उसमें ईएमआई में जा रहा है। घर का लोन लिया हुआ है, बच्चे का एडुकेशन लोन लिया हुआ है, बच्चे का अभी एडुकेशन खत्म होने के बाद उसको नौकरी मिला, उसका शादी करवाना था उसका लोन लिया है, फ्लैट लिया है, बाइक लिया है, गाड़ी लिया है, सब कुछ लोन में चल रहा है सर। जितना वो कमाता है वो पूरा लोन में जा रहा है, और जो 20,000 पेंशन मिलता है उससे उसका घर चल रहा है। अगर पेंशन नहीं रहता वो तो खाना भी नसीब नहीं होता सर उसको। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलते हैं, दिखने में 30,000, 40,000, 50,000 कमा रहा है, लेकिन उसका 80-90% पैसा पूरा लोन में चला जा रहा है। तो क्या फायदा है सर? लोन से छुटकारा पाना चाहते हो सर? चैट बॉक्स में लिखो, लोन से छुटकारा पाना चाहते हो? नेटवर्क मार्केटिंग आपको लोन से छुटकारा दे सकता है, वेस्टिज आपको लोन से छुटकारा दे सकता है। एक डिसीजन लो, मैंने एक डिसीजन लिया है, जिंदगी में जो भी करूंगा, जो भी खरीदूंगा, चाहे वो पेन खरीदू, 1-2 रुपया का पेन खरीदू, वो जो भी खरीदूंगा कैश से खरीदूंगा, चाहे वो पेन हो, चाहे वो प्लेन हो, प्लेन प्राइवेट जेट, कुछ भी खरीदू कैश में खरीदूंगा। लोन का झंझट ना रहे जिंदगी में, हर महीना शुरू होता है इसको देना है, उसको देना है, उसको देना है। आप एक बार आग बंद करके सोचो तो कि आपके जिंदगी में कोई लोन नहीं है, सोच के देखो एक बार, आपके लाइफ में कोई लोन नहीं, जितना आप कमा रहे हो वो पूरा पैसा आपका है, कोई ईएमआई नहीं भरना है आपको, कोई किसी को ईएमआई नहीं देना है, किसी को इंटरेस्ट नहीं देना है, जो पैसा आपके जेब में आ रहा है वो पूरा पैसा आपका। कैसा लगेगा सर? आप लोन क्यों ले रहे हो? पैसा नहीं है इसीलिए ना, पैसे का कम है इसीलिए तो ले रहे हो। आप मान लो जो बाहर में अभी शॉपिंग करता है, जो क्या बोलते हैं किराने के दुकान में, वहां पे खाता लिखना होता है, खाते में लिख के पूरा महीना वो लोग शॉपिंग करते हैं, फिर उसके बाद अगले महीना पेमेंट करते हैं, वो क्या रेस्पेक्ट की बात होता है सर? रेस्पेक्ट नहीं होता, प्रॉब्लम के कारण करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास सफिशियंट पैसा हो तो वो आपको करना नहीं पड़ेगा सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग से, वेस्टिज से आप एक लोन फ्री लाइफ ले सकते हो, अगर आप सोचो तो। ये बिजनेस आपको वो मौका देती है सर कि आप लोन फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हो, कोई टेंशन रह रहे हैं। बहुत सारे लोग लोन में इतना फंस चुके हैं, फंसते फंसते आज क्या हालत हो चुका है आप चेक करके देख लो। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि खुद का बिजनेस शुरू करना है। नौकरी तो कर रहा हूं लेकिन नौकरी में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन खुद का बिजनेस एक होना चाहिए, लेकिन उसके पास मौका नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, उसके पास रिस्क लेने का कैपेसिटी नहीं है। तो वेस्टिज उसको मौका दे रही है कि आप खुद का बिजनेस शुरू करो, ना तो पैसा लगाना है ना तो रिस्क है, कोई टेंशन नहीं है, खुद का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। ये मौका आपको वेस्टिज दे रही है। खुद आप खुद के बॉस बन सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। मतलब नौकरी में क्या होता है, इस बॉस टर्म से ना लोग नफरत करते हैं। बॉस जो होता है उसका, उसके वो नफरत करते हैं सर, बॉस से नफरत करता है। क्यों? 2 घंटा मतलब क्या बोलते हैं, काम कर रहे हो आप, आपका जितना देर तक ड्यूटी है आपको बोला नहीं अभी 2 घंटा और काम करो, 2 घंटा काम करके ये काम खत्म करके आपको जाना है, बस आप गए फंस वहां पे, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा। ऑफिस लेट से 10 मिनट लेट पहुंचोगे आपको बॉस सवाल जवाब करना चालू कर देगा, थोड़ा ज्यादा लेट करोगे गाली देना स्टार्ट करेगा, 3 दिन लेट करके जाओगे आपका सैलरी कट हो जाएगा 1 दिन का, ऐसा सिस्टम चलता है ना कंपनी में। तो बॉस से लोग परेशान हो चुके हैं। तो आप इस बिजनेस में खुद का बॉस खुद बन सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है सर। आप डिसाइड करो आपको कहां पहुंचना है। इस बिजनेस में आपको वही मौका मिलता है कि आप खुद के बॉस खुद हो, आपका कोई बॉस नहीं है। आप अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा एडुकेशन दे सकते हो सर। आपको बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, लॉयर बनाना है, कुछ भी सपना है उसका, उसको फॉरेन जाके पढ़ाना है, कुछ भी कर सकते हो सर। अभी क्या होता है मिडिल क्लास फैमिली में, बच्चे छोटे मोटे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों? हम लोग फीस नहीं दे पाते, इसी कारण से छोटा मोटा स्कूल में हम लोग भर्ती करते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे एडुकेशन दे सकते हो। अगर वो फॉरेन में भी जाके पढ़ना चाहता है ना, तो वहां पे भी आप उसको एडुकेशन ले सकते हो। हमारे वेस्टिज में ऐसे ऐसे लीडर है जिसके बच्चे एक टाइम में, मतलब वो लोग जब वेस्टिज में नहीं आए थे ना, उनका बच्चा, उसके बच्चे का फीस देने का पैसा उनके पास नहीं था। उनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे, उनके बच्चे का आपने नाम सुना होगा, दीपाल पत्रा वाला, जो वेस्टिज के एम्बेसडर है,
मैं उनकी बात कर रहा हूं, दीपल पत्रावाला का अगर आप स्टोरी सुनोगे, उनके बच्चे जब स्कूल में पढ़ते थे उनके पास पैसा नहीं था सर उन बच्चे का फीस देने का, स्कूल का फीस जो भरना है हर महीना वो पैसा नहीं था। लेकिन आज के डेट में उसके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं सर, जिसका महीने का खर्चा आता है 3 लाख रुपया। उनका बेटा अमेरिका में यूएसए में पढ़ता है, महीने का खर्चा आता है 3 लाख। सोच के देखिए इस बिजनेस में इतना पावर है, जिसका एक टाइम पे यहाँ पे इंडिया में पैसा देना मतलब फीस भरने का पैसा नहीं था, उसका बच्चा अभी यूएसए में पढ़ रहा है। इस बिजनेस से आप अपने बच्चे के लिए इतना बहुत बढ़िया मौका है जो एडुकेशन आप यहां से करवा सकते हो, ये सबसे बड़ा चीज है। नेक्स्ट, बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर योर फैमिली। आप अपने फैमिली के लिए, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए हम लोगों का टेंशन आ जाता है, क्या करना है, इतना खर्चा कहां से लाएंगे, हम लोग बहुत बड़े टेंशन में आ जाते हैं सर, कैसे खर्चा करेंगे, कैसे क्या होगा, क्योंकि हम लोगों के पास ऑप्शन क्या है, सरकारी हॉस्पिटल। और सरकारी हॉस्पिटल का हालत क्या है आपको मालूम है, मैं बात कर रहा हूं अगर इंटरनल ऑर्गन जो है वो तो हम लोग वेस्टिज के हेल्थ सप्लीमेंट से तो स्वस्थ रख सकते हैं। हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, ये इसको तो आप सुरक्षित रख सकते हो। लेकिन मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे एक्सीडेंट तो होता रहता है ना, तो कुछ भी हो जाए तो वहां पे हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में क्या करते हैं, जगह नहीं मिलता सर, बेड नहीं, जब तक बेड मिलेगा आपको तब तक पेशेंट मर जाएगा सर। और प्राइवेट में जाओगे, प्राइवेट में क्या हालत है, क्योंकि हम लोग खर्चा नहीं कर सकते, हमारे इतना हिम्मत नहीं होता है कि प्राइवेट नर्सिंग होम में जा सकते हैं। लेकिन आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखो, कुछ बड़ा उसका अगर कोई मेडिकल इश्यू आ गया, एक फ्लाइट पकड़ेगा तुरंत फॉरेन में जाता है सर। आप युवराज सिंह के बारे में जानते हो, इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर थे, युवराज सिंह को जब कैंसर हुआ था कितने दिन सर यूएसए में था। हमारे मिडिल क्लास फैमिली में कोई किसी का कैंसर होता है वो मर जाता है, हम लोग पकड़ ही लेते हैं कि इंसान चला जाएगा कुछ दिन बाद। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखो, वो अमेरिका में चला जाता है 2 महीना 3 महीना 4 महीना, वहां पे पूरा रहता है, पूरा तंदुरुस्त होके फिर इंडिया वापस आता है। लेकिन हमारा उतना हैसियत नहीं है कि हम लोग वो कर सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस से, नेटवर्क मार्केटिंग से, वेस्टिज से आप ये कर सकते हो सर, अपने फैमिली के लिए आप ये कर सकते हो, अपने आसपास के लोग के लिए आप ये कर सकते हो, जो दूसरे प्रोफेशन में नहीं होता है सर। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं क्या है। पैसिव इनकम, क्या बोले सर इसके बारे में। दुनिया का एक लौता प्रोफेशन जिसमें पैसिव इनकम आता है। इनकम देखो दो टाइप के होता है, एक एक्टिव इनकम, दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक एक्टिव, दूसरा है पैसिव। एक्टिव मतलब आप काम करोगे पैसा आएगा, काम करोगे पैसा आएगा, काम करोगे पैसा आएगा, काम करना बंद पैसा आना बंद। जिस दिन आप काम करना बंद कर दिए आपका पैसा आना बंद हो जाएगा, आप ऑफिस में नहीं जाओगे, आपका सैलरी कट हो जाएगा। लेकिन पैसिव इनकम ऐसा सिस्टम है ना जहां से आपका पैसा ऑटोमेटिक आता रहता है, कंटिन्यूअसली आपका पैसिव इनकम आता रहता है। आप इसके बारे में, मैं अगर अभी एक स्टोरी बताना चाहता हूं, लेकिन अगर स्टोरी बताने जाऊं थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं ये सेशन खत्म होने के बाद आप लोग यूट्यूब में जाना। पाब्लो ब्रूनो बोल के एक स्टोरी है, पाब्लो और ब्रूनो दोनों दोस्त है, उनका एक स्टोरी है यूट्यूब में, आप पाब्लो और ब्रूनो स्टोरी बोल के सर्च करो, आपको मिल जाएगा। पैसिव इनकम कैसे आता है, उन्होंने क्या किया था, आपको पता चल जाएगा। अभी उस स्टोरी को लंबी करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस करना है। ये ऐसा सिस्टम है सर, आप एक टाइम काम करोगे, 3 साल 4 साल 5 साल काम करोगे, ऑटोमेटिक पैसा आपके पास आता रहेगा, उसके बाद आप काम करो या ना करो उसका जीते जाता है। एग्जाम्पल है सर प्रवीर रॉय सर, आप देख लो आपके सामने, आज प्रवीर सर घर से ना भी निकले, पूरा दिन घर में रहे, पूरा महीना घर में रहे ना, उनका इनकम ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन उनके मतलब वो क्या करते हैं, हमारे लिए दौड़ते हैं मार्केट में, फील्ड में जो काम कर रहे हैं सर। आज भी बर्धमान गए थे, आपको मालूम है हमारे एक लीडर ने गाड़ी खरीदा हुआ है, उनके इनॉग्रेशन में आज सर गए हुए थे। तो क्या कर रहे हैं सर, अभी दूसरे को मौका दे रहे कि वो भी प्रवीर सर के जगह पे आ सके, वो लोग भी डबल क्राउन डायरेक्टर बन सके, वो लोग भी जगुआर अचीवर बन सके। तो दूसरे को मदद कर रहे हैं सर कि उनके जगह पे आने, उनका तो जो बनना था वो तो वो लेवल बन चुका है सर, अभी दूसरे को सर वो मदद कर ले। तो वो ना भी करे ना, ऑटोमेटिक पैसा उनके पास आता रहेगा, क्योंकि पावर ऑफ नेटवर्क। ये दुनिया का एक प्रोफेशन में होता है, पैसिव इनकम आता है आपको। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ये मिलता है, और दूसरा मिलता है आपके नेटवर्क मार्केटिंग। और दूसरा किसी प्रोफेशन में, कोई डॉक्टर हो जाए, कोई लॉयर हो जाए, कोई भी हो, वो चेंबर खोलेगा फिर पैसा आएगा, पेशेंट को चेकअप करेगा फिर डॉक्टर को पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक लॉयर जो है वो कोर्ट में जाके केस लड़ेगा, उसके बाद पैसा आएगा, उससे पहले पैसा नहीं आता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टिज में आपका पैसा कंटिन्यूअसली आता रहता है सर।
कंटिन्यूअस में आपको मिलता रहेगा। ग्रेट हेल्थ, आपका हेल्थ की तंदुरुस्ती जो मैं आपको अभी कुछ देर पहले बता रहा था, जो हमारे हेल्थ सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट, इसको यूज कर सकते हैं, आपका हेल्थ को आप तंदुरुस्त रख सकते हो। पैसा आपके पास, आपसे ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे ज्यादातर, बहुत सारे कैटेगरी में मिलेंगे जो मतलब पैसा बहुत है लेकिन हेल्थ एकदम डैमेज हो चुका है, कमर में सूजन है, पैरों का प्रॉब्लम है, चल नहीं पाता, लकड़ी के सहारे चलता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन वो करोड़पति है। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे तो क्या फायदा है सर, वो पैसे का कोई फायदा है सर, आप इसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो पैसे के साथ आपको हेल्थ भी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। अगर पहले आपको हेल्थ को स्वस्थ रखना है उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो, तो ग्रेट हेल्थ भी आपको वेस्टिज से मिल रहा है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा चीज है जिसको बोला जाता है रेस्पेक्ट। पैसे बहुत सारे लोग कमाते हैं सर, उसका इज्जत नहीं होता। एक चोर भी पैसा कमाता है, एक चोर भी पैसा कमाता है। ओसामा बिन लादेन भी पैसा कमाते थे, ओसामा बिन लादेन भी पैसा कमाते थे सर, लेकिन क्या हुआ, कोई रेस्पेक्ट था सर, कोई इज्जत था। वेस्टिज में आपको वो रेस्पेक्ट मिलता है। हमारे जब बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन होते हैं ना, पिछले 2 तारीख को प्रबीर रॉय सर ने जो मौका दिया हम लोगों को, साइंस सिटी जैसे ऑडिटोरियम में 2000 लोग हम लोग इकट्ठा हुए थे, आप सोच के देखिए कितना रेस्पेक्ट आपको मिलता है। इतने बड़े स्टेज में आपको जाने का मौका मिलता है, जो फिल्म स्टार को मिलता है सर, बड़े बड़े अवार्ड शो आपने देखा होगा, आईफा अवार्ड, फिल्म स्टार अवार्ड, ऐसे फिल्म पेयर अवार्ड, ऐसे बड़े बड़े अवार्ड शो में बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट सिंगर अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, उनको स्टेज में रिकॉग्नाइज किया जाता है हजारों लोगों के सामने, हजारों हजारों लोगों के सामने लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं सर, जो सबसे बड़ा रेस्पेक्ट है। दूसरे प्रोफेशन में ये नहीं होता, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में होता है और वेस्टिज में होता है सर। अगर आपको पैसे के साथ रेस्पेक्ट भी चाहिए तो आप वेस्टिज में काम करो, आपको वो रेस्पेक्ट मिलेगा सर। लाइफस्टाइल, हम लोगों के पास, मिडिल क्लास वालों के पास ना लाइफ तो है लेकिन स्टाइल बोल के कुछ नहीं है सर। लाइफ है हमारे पास लेकिन स्टाइल नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपके लाइफ के साथ स्टाइल को जोड़ता है और आपका एक लाइफस्टाइल बनाता है। लाइफ के साथ स्टाइल को जोड़ के आपका एक लाइफस्टाइल बनाता है, जो दूसरे प्रोफेशन में नहीं होता है। जिंदगी कटता रहता है, दूसरे प्रोफेशन में क्या होता है, जिंदगी चल रहा है, कट रहा है। आप किसी से पूछो क्या हालचाल है भाई, हाँ चल रहा है, कट रहा है, देखते हैं, जिंदगी कट रहा है, चल रहा है, ऐसा ही होता रहता है, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल बोल के कुछ नहीं होता। लेकिन वेस्टिज में आपका लाइफ के साथ स्टाइल वर्ड जुड़ता है और आपका लाइफस्टाइल बनता है सर। तो अगर आप लाइफस्टाइल बनाना चाहते हो, एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा, वेस्टिज आपको करना पड़ेगा सर। नेक्स्ट क्या है, चलिए देखते हैं। नेम, फेम एंड रिकॉग्निशन, जो बहुत बड़ा पॉइंट है, नेम, फेम एंड रिकॉग्निशन। बहुत सारे लोग, मुझे भी लोग जाने, मुझे भी लोग पहचाने, मेरा भी कुछ फेम बने, मेरा भी कुछ नाम बने, मुझे भी रिकॉग्निशन मिले। अगर आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, तो रिकॉग्निशन चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक लौता प्रोफेशन है सर, आम इंसान के लिए एक लौता प्रोफेशन है, जहां से आप नेम, फेम, रिकॉग्निशन बना सकते हो और अपना इज्जत भी ले सकते हो। आपका पूरे दुनिया तो, पूरे मतलब इंडिया तो क्या, पूरे दुनिया में आपका नाम बन सकता है सर, पूरे हिंदुस्तान में। आज आप देख लो, प्रबीर राय को पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, प्रवीर सर को पूरे हिंदुस्तान के लाखों लोग, करोड़ों लोग जानते हैं सर। जितने लोग वेस्टिज में जुड़े हुए ना, सबको प्रवीर के बारे में मालूम है। अगर आपको भी ये नेम, फेम एंड रिकॉग्निशन चाहिए, तो आपको भी काम करना पड़ेगा सर। एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको बोला जाता है सोशल सर्विस। बहुत सारे लोगों का मन होता है कि मैं सोशल सर्विस करूं, मैं चैरिटी करूं। बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिसको 2 वक्त का रोटी नसीब नहीं होता सर, 2 वक्त का रोटी नसीब नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जिसको आप हेल्प कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोगों का मन होता है कि मुझे चैरिटी करना है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको चैरिटी करने का मन होता है, लेकिन अगर आपका ही जेब खाली हो तो आप चैरिटी कैसे करोगे सर। आपका खुद का जेब अगर खाली हो तो आप चैरिटी कैसे करोगे। मैं भी देखता हूँ फेसबुक में, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत अलग अलग, जो जेन्युइन होते हैं। मतलब किसी का, मान लो कोई बहुत बड़ा बीमारी है जिसको ऑपरेशन करना है, लाखों का खर्चा है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का अगर खर्चा किया जाए, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, इसको एक रेयर डिजीज होता है जिसको अगर आप ट्रीटमेंट करने जाओ तो उसका 20 लाख, 50 लाख का खर्चा आता है, लेकिन उसके मम्मी पापा इतने पैसे वाले नहीं है जो कर पाए। तो मेरा भी मन करता है मैं उसकी कुछ मदद करूं। तो आपको भी अगर ऐसा मन करता है ना, तो आप भी ऐसे मदद कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपका जेब भरा होना चाहिए। आपके पास जो होगा तभी तो आप दे पाओगे ना, आपका जेबी अगर खाली है तो आप कैसे दोगे। तो अगर जिसको चैरिटी करना है, सोशल सर्विस करना है, तो आप यहां से वो कर सकते हो।
वेस्टिस से वो कर सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग से वो कर सकते हो सर। अब ये तो गया ड्रीम की बातें। ड्रीम मैंने बता दिया, एक आम इंसान के लाइफ में ये जो मैंने लाइफस्टाइल बताया, जो जो पॉइंट आपको बताया, ये हर किसी को चाहिए। आप देख लो किसी कोई बंदा ऐसा है जिसको नहीं चाहिए, वो चैट बॉक्स में लिखे सर मुझे नहीं चाहिए। अभी लगभग 146% मुझे सुन रहे कि आप में से कोई एक इंसान हो जो बता दे कि मुझे सर ये सब नहीं चाहिए, मुझे दो वक्त की रोटी चाहिए बस, बात खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। एक इंसान हो तो चैट बॉक्स में लिख ले वो। सर हर किसी को चाहिए वो, हर किसी को ऐसी जिंदगी चाहिए। तो आपके पास रास्ते कितने हैं आप सोच के देखो, कोई रास्ता है आपके पास? जो लाइफ मैंने आपको बताया, ये लाइफ अगर आपको अचीव करना है, पाना है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, आपके पास कोई रास्ता है? नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा, वेस्टिज के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो वेस्टिज इज द श्योरेस्ट एंड इजिएस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट दिस ड्रीम्स। आपको अगर सपने को पूरा करना है, ये एकदम आपका श्योरेस्ट प्लेटफॉर्म है एंड इजिएस्ट प्लेटफॉर्म है। अब रीजन क्या है, क्यों आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए ज्वाइन, ये मोस्ट इजिएस्ट क्यों मैं बता रहा हूं, क्यों इजीली कर सकते हो, दूसरे प्रोफेशन के साथ इसका डिफरेंस क्या है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूं। चलो पहला क्या है, आप अपने हर एक सपने को पूरा कर सकते हो। जो जो सपना मैंने आपको बताया अभी, हर एक सपने को आप पूरा कर सकते हो इस बिजनेस के जरिए। कुछ भी सपना आपका हो उसको आप पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट, आज के रेट में कोरोना पैंडेमिक के बाद ये बिजनेस मेनली होम बेस हो गया है, घर से बैठ के आप कर सकते हो ये बिजनेस होम बेस। अभी आपका 10% काम ज्यादातर हम लोग का फील्ड में होता है, बड़े बड़े मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं वहां पे होता है, लेकिन 90% ये COVID-19 के बाद 80-90% बिजनेस हम लोगों का घर से होता है, बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मोबाइल आपके पास है ना, स्मार्टफोन, अजी आप देख लो, अभी लगभग 150 पीपल जो सुन रहे हैं पूरे दुनिया के कोने कोने से है सर। आप लोगों ने कुछ देर पहले मीटिंग स्टार्ट होने से पहले लिखा था, प्रवीण सर ने आपने पूछा था कि आप लोग कहां से हो, कोई कलकत्ता से, कोई दिल्ली से, मुंबई से, अमृतसर, पंजाब से भी लोग सुन रहे हैं मुझे। तो कैसे पॉसिबल है सर ये? सर फिजिकल मीटिंग में पॉसिबल नहीं है, ये ऑनलाइन में ही पॉसिबल है। तो अगर स्मार्टफोन आपके हाथ में है तो पूरा दुनिया आपके हाथ में है सर। तो उस हिसाब से आप इस बिजनेस को कर सकते हो। और सबसे बड़ा जो चीज है, जो मुझे लगता है, पूरे वर्ल्ड में आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर पाते सर। बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर का एक एरिया होता है, आप किसी भी बड़े कंपनी का नाम ले लो, कोई भी एक कंपनी का नाम ले लो, उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, CNF होता है, स्टॉकिस्ट होता है, ट्रेडिशनल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, उसका एक एरिया लिमिटेशन होता है सर। उसके बाहर वो काम नहीं कर सकता, उसका एक एरिया लिमिटेशन होता है कि ये जोन तुम्हारा है, ये नॉर्दर्न जोन तुम्हारा है, ईस्टर्न जोन तुम्हारा है, ऐसे ऐसे छोटा से छोटा जितना डिस्ट्रीब्यूटर होता है, बड़े से बड़ा, उसका एक लिमिटेशन रहता है। लेकिन वेस्टिजियन का कोई लिमिट नहीं है सर, पूरा दुनिया आपका है। आज के डेट में वेस्टिज 8 कंट्री में बिजनेस कर रही है, आने वाले 2025 के अंदर 50 देश में लॉन्च करने वाली है, और 2030 के अंदर, गौतम बाली सर ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, 2030 के अंदर कंपनी 100 देशों में जाएगी, 100 कंट्रीज सोच के देखिए, जिसमें अमेरिका भी रहेगा, लंदन भी रहेगा, यूरोप भी रहेगा, हर चीज रहेगा। तो आप जहां पे रहते हो वहां से बैठ के पूरे वर्ल्ड में आप बिजनेस को फैला सकते हो, आपको कहीं की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले दिन में ऐसा भी होगा, बड़े बड़े मीटिंग हम लोग का यूएसए में होगा, जो फॉरेन कंपनी में होता है सर, एक हिंदुस्तानी कंपनी जो बाहर जाके ये मौका आपको देगी। कोई किसी का सेमिनार ऑस्ट्रेलिया में चलेगा, किसी का सिंगापुर में चलेगा, किसी का दुबई में चलेगा, ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पे आपका मीटिंग होगा, ट्रेनिंग होगा। तो पूरे वर्ल्ड में आप इस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है सर, कोई लिमिट नहीं है। आपके पास कोई मौका है, जीरो इन्वेस्टमेंट में आप पूरे दुनिया में बिजनेस कर सकते हो, ऐसा कोई मौका है? एक पैसा नहीं लगाना है आपको, जीरो इन्वेस्टमेंट में कोई पैसा नहीं लगाना, पूरे वर्ल्ड में आप बिजनेस कर सकते हो, ऐसा कोई मौका नहीं है सर। नेटवर्क मार्केटिंग एक लौता मौका है आपके पास। और जो पॉइंट मैंने अभी बताया आपको, बिजनेस करना तो बहुत लोग चाहते हैं, ऐसे बिजनेस बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन पैसा नहीं है सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पैसा नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टिज, स्पेशली वेस्टिज में ये मौका मिल रहा है आपको कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट में, मिडिल क्लास वाले बिजनेस क्यों नहीं करते, बिजनेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। मिडिल क्लास वाले पैसा नहीं है इसीलिए बिजनेस नहीं करना चाहिए। और पैसा आप इकट्ठा तो कर सकते हो, लोन लेके मान लो आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया लोन ले लिया, लेकिन बिजनेस चलेगा इसका कोई गारंटी है सर? आपका बिजनेस चलेगा इसका कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है सर। बहुत सारे लोग लोन लेके बिजनेस कर चुके हैं, पैसा को लॉस कर चुके हैं, डुबा चुके हैं,
ऐसा भी हालत हो चुका है, बहुत सारे लोग सुइसाइड भी कर चुके हैं क्योंकि लोन वो रिपे नहीं कर सकते, इसीलिए डर के मारे सुइसाइड भी कर चुके हैं, आपने देखा होगा आपके जान पहचान में। तो यहाँ पे पैसे का टेंशन खत्म, दूसरा कोई प्रोफेशन नहीं है सर जिसमें बिजनेस वालों का, आप देख लो बिजनेसमैन का कितना टेंशन होता है, रात को सो नहीं पाता वो बंदा रात को सो नहीं पाता पैसे के, क्योंकि वो पैसा लगा चुका है, अब उसको क्या करेगा। मेरे यहाँ पे मेरे सामने घर के मैं जहाँ पे रहता हूँ, थोड़ी देर में जाके एक मेडिसिन का दुकान वाला है, मेडिसिन दुकानदार है, ठीक है, वो बहुत साल से मेडिसिन का बिजनेस कर रहा है। वो क्या किया, जिसमें दुकान है उसके बगल में एक बहुत बड़ा लगभग 7 माले का एक बिल्डिंग बन रहा है हमारे यहाँ पे, मतलब बन चुका है ऑलरेडी। तो नीचे वो 3 दुकान खरीदा है, 3 दुकान एक साथ 3 दुकान वो खरीदा है, जिसका प्राइस उसको लगा है 96 लाख। वो मुझे बताया कुछ दिन पहले, बात हो रहा था उससे, बोल रहा कि भाई मैंने 96 लाख लोन लेके, कुछ मेरा सेविंग्स था और कुछ लोन लिया मैंने, लोन लेके 3 दुकान मैंने खरीदा। किस चीज के लिए खरीदा, उसको वो दुकान जो मेडिसिन का दुकान है वो बड़ा दुकान खोलना है, उसके साथ आप उसको वो क्लिनिकल डिस्पेंसरी, आप देखते हो ना डिस्पेंसरी में जैसे क्या बोलते हैं वो थीजिम आता है, डॉक्टर लाल पैथलब्स जो जनरेशन आपका क्या बोलते हैं, जिसमें टेस्ट किया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, पैथोलॉजिकल सेंटर जिसको बोलते हैं। तो ऐसा वो खोलना चाहता है और वहां पे डॉक्टर भी रखना चाहता है, डॉक्टर रख के पेशेंट आएगा देखेगा। तो लगभग 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो कर चुका है, उसके साथ और भी लगभग 10 लाख का खर्चा उसका आएगा उसको डेकोरेशन करने में। अभी उसका दुकान का खर्चा, मतलब डेकोरेशन चल रहा है, ये अप्रैल के बाद वो स्टार्ट करने वाला है। वो जब भी मिलता है मुझसे, जब भी दिखता है कि भाई होगा तो, कि इतना पैसा तो लगा दिया, इतना बड़ा रिस्क तो ले लिया, अगर नहीं चला तो क्या होगा, इतना बड़ा लोन ले लिया मैंने, अभी तो काम तो कर रहा हूं, मैं बहुत टेंशन में रहता हूं, उतना पैसा तो लगा दिया, अगर नहीं चला तो क्या होगा। वो जब भी मिलता है वो तब भी यही बात करता रहता है सर। तो हर वक्त एक बंदा जो बिजनेस करता है ना ट्रेडिशनल वाला, उसका रात को नींद नहीं आता सर पैसे के टेंशन में। लेकिन वेस्टिज में, नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कोई पैसे का टेंशन नहीं है, आप जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कर रहे हो, रात को चैन की नींद आप सो सकते हो, कोई टेंशन नहीं है आपका, जीरो इन्वेस्टमेंट है इसका सबसे बड़ा, आपका कोई रिस्क भी नहीं है। पैसा नहीं है तो रिस्क भी नहीं है ना, आप पैसा नहीं लगा रहे हो तो कोई रिस्क भी नहीं है आपके पास, रिस्क नहीं होगा तो कोई लॉस भी नहीं है, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो कोई लॉस की बात नहीं है, ये सबसे बड़ा चीज है। नेक्स्ट, आपका कोई पर्सनल ऑफिस नहीं चाहिए सर, आप दूसरा किसी बिजनेस में जाओगे उसमें आपका पर्सनल ऑफिस होना चाहिए आपका, यहाँ पे या तो आपको कोई दुकान खोलना पड़ेगा या तो कोई ऑफिस चाहिए, किसी ना किसी जगह पे आपको एक तो ऑफिस बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वेस्टिज लगभग 3,500 ऑफिस खोल के रखे हैं सर, अगर आपको ऑफिस में मीटिंग करना है तो आप वेस्टिज के किसी भी ब्रांच में जा सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई रैंक की पाबंदी नहीं है, आप किसी भी ऑफिस में जाओ, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बना के रखी है जिसको आप खुद के ऑफिस के हिसाब से यूज कर सकते हो, जैसे अपना ऑफिस होता है वहां पे आप मीटिंग करो, जितने चाहे बंदे को लेके आप मीटिंग करो, कोई आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, जिसका खर्चा कंपनी उठाती है, आपको कोई खर्चा नहीं देना, कोई रेंट नहीं देना। सोच के देखिए कितना बड़ा मौका है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी आप कर सकते हो। लेकिन आप ट्रेडिशनल बिजनेस में होते, दूसरे काम में होते, आपको खुद का पैसा लेके ऑफिस लेना पड़ता, आपको खुद रेंट भरना पड़ता, वहां पे आपको बिजली का खर्चा देना होता, हर एक चीज आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपका कंपनी आपको मदद कर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा सिस्टम होता है सर, वेस्टिज में ऐसा सिस्टम होता है, कोई कंपटीशन नहीं है। सोच के देखिए, बिजनेसमैन का ट्रेडिशनल मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज है कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं। आज मान लो आपके घर के बगल में कोई मोबाइल का दुकान खोल के बैठा है, सोच के देखिए कोई मोबाइल का दुकान खोल के बैठा है आपके बगल में, 2 दुकान छोड़ के और एक वाला, और एक बंदा मोबाइल का दुकान खोल लिया, नया बंदा कोई नया दुकान मोबाइल का खोल लिया। अब ये पिछले वाला, पुराने वाला क्या सोचेगा कि मेरा हर एक कस्टमर मेरे से मोबाइल खरीदे, उससे ना खरीदे, और नया वाला सोचेगा पुराना जिसका जितना कस्टमर है सब मेरे पास आ जाए। अपने मतलब ये दोनों ना एक साथ दुश्मन बन जाते हैं, ये दोनों मार्केट में जब काम करते दुश्मन बन जाता है कि मेरा कस्टमर, मेरे पास सब कस्टमर आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन चलता है। वेस्टिज में आपका कोई कंपटीशन नहीं है सर, एक दूसरे को हम लोग मदद करते हैं, कोई दूसरे का बुरा नहीं सोचता, कोई इंसान आपका बुरा नहीं सोचेगा, हर एक इंसान सोचेगा आपका डेवलपमेंट हो, कैसे आपका इनकम हो, आपका अपलाइन हर वक्त ये सोचता है आपका इनकम कैसे बढ़े। आपका इनकम आज 10,000 आ रहा है तो कल 20,000 कैसे आए, 20,000 आ रहा है तो 50,000 कैसे आए, कैसे आपका कार फंड अचीव हो, कैसे आपका ट्रैवल फंड अचीव हो, कैसे आपका हाउस फंड अचीव हो। कोई बंदा आपका बुरा नहीं सोच रहा है सर, ये दूसरे किसी प्रोफेशन में नहीं होता है। एक लौता दूसरी जगह पे टांग खिंचाई होता है, सिर्फ टांग खिंचाई,
एक दूसरे के में मतलब क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लगाने में रहते, पीछे लगे उसका प्रमोशन रुक जाए। जैसे नौकरी में होता है सर लॉबी जिसको बोलते हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स चलता है, एक दूसरे का प्रमोशन रोकने में लगे हुए, एक दूसरे का बुराई करने में लगे हुए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक लौता प्रोफेशन है जहां पे कोई कंपटीशन होता है, एक दूसरे का भला सोचते हैं, हर वक्त एक दूसरे का भला ही सोचने में रहते हैं। तो यहां से आपको वो मौका मिलेगा। एक बहुत बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है जो है पार्ट टाइम और फुल टाइम। आप इस काम को, इस बिजनेस को अगर फुल टाइम करना चाहते हो पहले दिन से फुल टाइम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम का प्रॉब्लम है, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप नौकरी कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो उसके साथ आप पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हो। आप उसके साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हो। लेकिन दूसरे काम में ये नहीं होता सर, दूसरे नौकरी या बिजनेस में आपको फुल टाइम ही करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ पे आप फुल टाइम के साथ पार्ट टाइम भी कर सकते हो। जो लोग फुल टाइम नहीं स्टार्ट कर रहे हो तो पार्ट टाइम, अगर आप पार्ट टाइम में दिन में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा देके काम कर रहे हो, धीरे 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 जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, ऑटोमेटिक आप फुल टाइम में शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन उससे पहले आप पार्ट टाइम ऑटोमेटिक कर सकते हो इस बिजनेस को। और सबसे बड़ा जो चीज है, आप पार्ट टाइम भी वो फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है सर, फ्लेक्सिबल आवर्स है आपका, फ्लेक्सिबली आप काम कर सकते हो। आप सुबह को भी टाइम दे सकते हो, आप दोपहर को भी दे सकते हो, आप शाम के टाइम भी दे सकते हो, इवनिंग को दे सकते हो, रात के टाइम दे सकते हो, जो आपको ठीक लगे, जो टाइम आपका सुटेबल लगे उस टाइम में आप फ्लेक्सिबली काम कर सकते हो। कोई आपको बोलने वाला नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, फ्लेक्सिबल है सर। दूसरे जगह पे फिक्स्ड होता है, कोई ना कोई आपका वर्किंग आवर्स फिक्स कर देता है, लेकिन आपका कोई यहाँ पे फिक्स नहीं है, पूरा फ्लेक्सिबल है। आप जितना, जिस हिसाब से जितना घंटा करना चाहते हो, जब करना चाहते हो, उस हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन आपको डेली करना पड़ेगा, ये मेन चीज है। ऐसा नहीं है कि आप आज कर दिए, 2 दिन बंद कर दिए, 2 दिन किए, 3 दिन बंद कर दिए, ऐसे आपका कुछ नहीं होगा। आपको एक रेगुलर टाइम देना पड़ेगा, वो अपने हिसाब से आप फिक्स कर लो कौन सा टाइम आपको देना है, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो सर। फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे जो दूसरे काम में नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, फ्री मैन पावर। आप किसी दूसरे बिजनेस में जाओगे, कोई कंपनी खोलोगे या छोटा मोटा दुकान खोलोगे, यहाँ पे आपको मान लो 1 लोगों को नौकरी में रखना है, 2 को नौकरी में रखना है, वहां पे आपको सैलरी देना पड़ता है सर, सैलरी देना पड़ेगा हर एक बंदे को। अगर सैलरी नहीं दोगे काम नहीं करेगा। मान लो एक छोटा किराने का दुकान है, किराने का दुकान मान लो एक छोटा है, वहां पे एक इंसान में अपने रखा है हेल्पिंग के लिए, कस्टमर ज्यादा आ जाए तो हेल्प करेगा वो बंदा, वो भी सामान बेचेगा, तो उसको भी कम से कम 5,000 रुपया आपको देना पड़ेगा महीने का, तब जाके वो बंदा काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। बड़े बड़े कंपनी, अगर यहाँ पे कोई नौकरी वाला मुझे सुन रहा है, आप जॉब कर रहे हो, आप देख लो आपके आपके जैसे कितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं। अगर 1,000 लोग काम कर रहे हैं, 1,000 लोगों को 10,000 रुपया सैलरी मिलता है, सोच के देखिए, मान लो हर एक बंदे को 10,000 का सैलरी मिलता है, तो 10,000 का 1,000 से गुना करो कितना होता है, आप सोच के देखिए, 1,00,000, 10,00,000, 1,00,00,000। मतलब उस कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, उसको हर महीना 1,00,00,000 रुपया सैलरी देना पड़ेगा। रिलायंस का देख लो आप, रिलायंस में 5,00,000 लोग काम करते हैं, 5,00,000 एम्प्लॉय है रिलायंस का, तो उसका प्रॉफिट हो या ना हो, 5,00,000 का लगभग 500 करोड़ रुपया, अगर 10,000 से हिसाब करो आप, 500 करोड़ का सैलरी उसको देना पड़ेगा, प्रॉफिट हो चाहे ना हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जो टीम बनता है, आपका जो नेटवर्क बनता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। कंपनी उसको पे करेगी उसके बिजनेस के हिसाब से, आपको कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जितना चाहे नेटवर्क बढ़ा सकते हो। दूसरे काम में क्या होता है, मान लो अभी कोविड में क्या हुआ, कंपनी का लॉस हो रहा था, कंपनी बहुत सारे लोगों को निकाल दिया कि भाई मैं इतना सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इतने लोगों को रख नहीं सकता, इतने सैलरी नहीं दे सकता, तुम लोग कल से मत आना, तो उस हिसाब से वो मैन पावर को कंपनी से हटाना शुरू करता है। लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं, आप जितना चाहे टीम अपना बढ़ाओ, कोई लिमिट नहीं है सर, पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ है, पूरा दुनिया पड़ा हुआ है, आप जितना चाहे नेटवर्क बढ़ाओ, कोई रोकने वाला नहीं है सर। उसके लिए आपको जेब से, ऐसा नहीं है कंपनी, मान लो कोई कंपनी 1,00,000 रुपया कमा रहा है तो उसको 70,000 सैलरी में दे गया, ऐसा नहीं है। आप जितना कमा रहे हो वो पूरा पैसा आपका है, कंपनी आपको नहीं बोल रही कि भाई आप 1,00,000 रुपया कमा रहे हो तो 70,000 आपको टीम के नेटवर्क में सैलरी देना है, आपको एक पैसा नहीं देना है सर, वो नेटवर्क का पैसा कंपनी दे रही है। यही तो पावर है, यही तो ब्यूटी है इस बिजनेस का। 24/7 एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगा इस बिजनेस में। जो लोग ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं, उनका एक्सपर्ट एडवाइस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सर।
कैसे वो लोग सक्सेसफुल हुए। मान लो आपको कोई ज्वेलरी का शोरूम खोलना है, फॉर एग्जाम्पल आपको ज्वेलरी का शोरूम खोलना है, आपको आपने मान लो पीसी चंद्र ज्वेलर्स का आपने नाम सुना है, तो पीसी चंद्र के मालिक के पास आप चले गए, उनको बोले कि सर आप इतना बड़ा शोरूम कैसे बना लिए, मुझे भी सिखाइए, मुझे भी ऐसा शोरूम खोलना है। वो बताएगा आपको कैसे वो बिजनेस में प्रॉफिट किया है, इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया, इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया, वो बताएगा आपको? किसी को नहीं बताएगा सर, वो अपने बीवी को भी नहीं बताता। ये बिजनेस सीक्रेट ट्रेडिशनल मार्केट में किसी को बोला नहीं जाता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक लौता प्रोफेशन है जहां पे सक्सेस कैसे होना वो हाथ पकड़ के सिखाया जाता है। प्रवीर रॉय सर आपको सिखाएंगे वो कैसे आज डबल क्राउन डायरेक्टर बने हैं सर, कैसे उनका महीने का 10 लाख का इनकम आता है, कैसे उन्होंने जगुआर कार ले लिया। हाथ पकड़ के एक बंदे को सिखाता है 5% 8% वाले को कि वो भी वहां पे आ पाए, लेकिन दूसरे किसी प्रोफेशन में ये नहीं होता। तो आपको 24/7 फ्री एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगा जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, करियर फॉर नेक्स्ट जनरेशन, जो सबसे बड़ा पॉइंट है। आज आप काम कर रहे हो, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, एक टाइम आप जब बूढ़े होंगे ना तो आप अपने बच्चे को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जहां से आप बिजनेस को छोड़ोगे आपका बच्चा वहीं से बिजनेस को स्टार्ट करेगा। ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, मान लो आपको कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, उसके बाद आपका जो नॉमिनी रहेगा, आपका वाइफ हो जाए या आपके बच्चे हो जाए, ये बिजनेस पूरा उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, वो पूरा फायदा उसको मिलेगा। तो जिस जहां पे आप छोड़ोगे, मान लो आप 10 लाख कमा रहे हो, मान लो आप 20 लाख कमा रहे हो, तो वो आपके बच्चे 20 लाख से स्टार्ट करेंगे सर। दूसरे किसी प्रोफेशन में नहीं होता ये, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलता है। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस को शुरू किया था, धीरूभाई अंबानी जब दुनिया छोड़ के गए उनका 50,000 करोड़ का प्रॉपर्टी था, 50,000 करोड़, तब मुकेश अंबानी आए उसके जगह पे। आज मुकेश अंबानी का प्रॉपर्टी है लगभग 3 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ का नेटवर्थ वो बना चुके हैं। अब उनके बाद उनके बेटे आएंगे, आकाश आएंगे, अनंत आएंगे, ईशा आएगी, उनको वो बढ़ाएंगे। तो वहां पे जहां पे वो छोड़ रहा है उसके बाद ही बढ़ता है। यहाँ पे भी वैसा ही सिस्टम है सर। अगर कुछ हो भी जाए, आप वेस्टिज में देखे होंगे सुदर्शन मोहंती सर के बारे में आपने बताया होगा, जाने होंगे आप, जो आज वेस्टिज में नहीं है और दुनिया में भी नहीं है। पिछले 7 साल लगभग 2010 से लेके 2017 तक वो वेस्टिज में काम करते थे, उनका इनकम था लगभग 10 से 11 लाख रुपया, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनका मतलब क्या बोलते हैं डेथ हो गया। आज वो बंदा 5 साल हो गया है, फेब्रुआरी मंथ आ चुका है, फेब्रुआरी 2017 में उनका डेथ हुआ था, 5 साल हो गया है वो इंसान दुनिया में नहीं है। लेकिन उनका जितना जो 11 लाख का इनकम था ना, वो आज 14 लाख में कन्वर्ट हो गया उनके वाइफ के नाम पे। 14 लाख का इनकम वाइफ के नाम पे बंद होना तो दूर, उनके वाइफ के नाम पे वो इनकम ट्रांसफर हो गया। इतना पावर है इस बिजनेस में। आप बहुत बड़े बड़े लीडर को देखे होंगे, रमेश पुरानी सर को देखे होंगे, एसपी वरिल सर को देखे होंगे, उनके भी बच्चे आ गए हैं। और सबसे बड़ा हमारे जीते जाते एग्जांपल है प्रवीर रॉय सर। आप अभी देख लो, प्रवीर रॉय के सर के बेटे के भी ऑलरेडी बिजनेस वो स्टार्ट कर चुके हैं। प्रवीर सर के बेटा भी ऑलरेडी बिजनेस में 18 साल हो चुका है, वो भी बिजनेस स्टार्ट कर चुका है। तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन बिजनेस है सर। छोटे में मत लो, हल्के में मत लो, इसके डेप्थ में, इसके गहराई में जाओ सर। ये बिजनेस कितना बड़ा है ना, इसके गहराई में जाओ, तब आपको पता चलेगा। कोई एज लिमिट नहीं है सर। एक 18 साल का बच्चा भी कर सकता है, एक 70 साल के बूढ़े भी कर सकते हैं, और ऐसे एग्जांपल बहुत है वेस्टिज में। आज 18 20 साल के लोग ऐसे मिलेंगे जो महीने का लाखों रुपया कमा रहा है, और 75 साल का रमेश पुनानी सर भी आपको मिलेंगे जो महीने का 30 लाख रुपया कमा रहा है। तो कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी कर सकता है। कोई एडुकेशन बार नहीं है सर, कोई एडुकेशन मैटर नहीं करता। एक डॉक्टर भी कर सकता है, एक इंजीनियर भी कर सकता है, एक लॉयर भी कर सकता है, एक मतलब क्या बोलते हैं लेबर क्लास के इंसान भी कर सकते हैं। आप ये फोटो को देख लो, आपको पता चल जाएगा। फोटो में मैंने अलग अलग कैटेगरी का इंसान रखा है, डॉक्टर भी रखा है, इंजीनियर भी रखा है, लॉयर भी रखा है, और नीचे वाला फोटो देखोगे वहां पे लेबर खड़े हुए जिसको कोई एडुकेशन नहीं है, 4 तक पढ़ा है, 6 तक पढ़ा है, 8 तक पढ़ा है। ऐसे भी लोग वेस्टिज में कामयाब है। आपने एमडी मोइन सर का नाम सुना होगा, ऐसे बहुत सारे, मैंने एक का नाम बताया, ऐसे बहुत सारे। तो कोई एडुकेशन मैटर नहीं करता, आप पढ़े लिखे हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता। तो कोई एज मैटर नहीं करता, कोई एडुकेशन मैटर नहीं करता, कोई जेंडर मैटर नहीं करता। आप लड़की हो या लड़का हो, कोई मैटर नहीं करता, दोनों कामयाब हो सकते हैं। यहां से दोनों कामयाब हो सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो टाइम मल्टीप्लीकेशन बोला जाता है, जो दूसरे काम में नहीं होता। टाइम मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, मान लो
आप नौकरी कर रहे हो, दिन में 8 घंटा ड्यूटी है आपका, नौकरी में 8 घंटा आप ड्यूटी कर रहे हो, मान लो हफ्ते में 5 दिन आपको काम करना है, ठीक है, 8 घंटा काम कर रहे हो हफ्ते में 5 दिन, सैटरडे संडे आपका छुट्टी रहता है, उस हिसाब से अगर आप देखो तो साल का 50 वीक्स आप काम कर रहे हो, साल का, पूरे साल का 50 वीक्स, और घंटे के हिसाब से देखो अगर पूरे साल में 2000 घंटा आप मेहनत करते हो, पूरे साल में 2000 घंटा, इसको इक्वेशन को समझना सर, तो 2000 घंटा अगर साल का हुआ, एक बंदा पूरे जिंदगी में लगभग 40 साल मेहनत करता है, पूरे जिंदगी में 20 साल तक वो पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ाई के बाद वो नौकरी स्टार्ट करता है, 60 के बाद वो रिटायर होता है, तो 20 से लेके 60 तक ये जो 40 साल टाइम है ना, ये उसको मेहनत करने का टाइम है, तो अगर 1 लाख रुपया भी उसको सैलरी मिल रहा है ना, तो पूरे जिंदगी का अगर कैलकुलेशन करो लगभग 5 करोड़ रुपया इनकम आता है पूरे जिंदगी में। लेकिन 1 लाख का सैलरी कितने का होता है आप देख लो, आस पड़ोस मिलेंगे आपको 10,000-20,000 वाले ही मिलेंगे, तो 10,000 से भी गिनोगे ना तो आपका लगभग ये फिगर 50 लाख में आ जाएगा, 5 करोड़ वाला 50 लाख में आ जाएगा, तो पूरे जिंदगी का इनकम मैं बता रहा हूं। लेकिन वही बंदा जिस कंपनी में नौकरी कर रहा है, जो उसका बॉस है, जो उसका मालिक है, उसके नीचे मान लो उसी के तरह 10,000 लोग नौकरी कर रहे हैं, जैसे वो नौकरी कर रहा है उस हिसाब से 10,000 लोग नौकरी कर रहे हैं, तो 10,000 अगर 8 घंटा काम करेंगे तो कितना घंटा होता है सर, 80,000 घंटा। यहाँ पे नौकरी में क्या हो रहा था, एक इंसान पूरे जिंदगी में 80,000 घंटा काम कर रहा था, 2000 साल का कर रहा था, उसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 आवर्स, मतलब एक नॉर्मल इंसान पूरी जिंदगी में 80,000 घंटा कमाता है। लेकिन एक कंपनी का मालिक वो 10,000 घंटा कमा रहा है, 10,000 एम्प्लॉय का 8 घंटे का हिसाब से 80,000 घंटा कमा रहा है, तो 80,000 घंटा वो अगर दिन में कमा रहा है तो पर डे का जो इनकम आता है वो है 5 करोड़। जो एक नॉर्मल इंसान का इनकम, पूरे जिंदगी का इनकम 5 करोड़ आ रहा है, लेकिन एक कंपनी का मालिक उसका इनकम एक दिन में 5 करोड़ आता है, जिसका बोला जाता है टाइम मल्टीप्लीकेशन। अब हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग ऐसे कंपनी खोल सकते हैं, आपके और मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इतने बड़े कंपनी खोल के 10,000 लोगों को नौकरी में रखते। लेकिन ड्यू टू वेस्टेज, ड्यू टू नेटवर्क मार्केटिंग, उसका पावर देखिए, आप 10,000 क्या, आप 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख लोगों का नेटवर्क बना सकते हो, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, और उसका पूरा टाइम मल्टीप्लीकेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा जो किसी दूसरे प्रोफेशन में नहीं होता सर। इतना बड़ा मौका आपके पास है, आप सोच के देखिए कितना बड़ा टाइम मल्टीप्लीकेशन का मौका आपके हाथ में है सर। वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलता है आपको, जो आपको अभी मिल रहा है, हर दिन हम लोग करते हैं 30 डेज, महीने के 8:30 से लेके 10 बजे तक हर दिन आपको ट्रेनिंग मिलता है अलग अलग टॉपिक के ऊपर, वर्ल्ड क्लास अलग अलग ट्रेनर है रॉस टिम विक्टी में जो आपको सिखाते हैं, और यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो जहां से आप सीख सकते हो, तो वर्ल्ड क्लास आपको ट्रेनिंग मिलता है बिजनेस को डेवलप करने के लिए। एक लाइन अभी तक तो आप जितना मैंने बताया ना, आप तो अभी तक समझ चुके हैं ये बिजनेस दाल रोटी का बिजनेस है नहीं, ये लाइफ चेंजिंग बिजनेस है, आपका जिंदगी बदल सकता है ये बिजनेस, ये मौका ऐसा है जो जिंदगी बदलने का मौका है, दाल रोटी का बिजनेस नहीं है सर। सबसे बड़ा एक यूनिक पॉइंट है जो हेल्प अदर्स टू गेट सक्सेस, आप किसी दूसरे को मदद कर रहे हो सक्सेस पाने के लिए, जो मैंने अभी प्रवीण रॉय सर का एग्जांपल दिया, प्रवीण रॉय सर आज जिस लेवल पे है वो आप दूसरे को मदद कर रहे हैं, दूसरे को हाथ पकड़ के सिखा रहे हैं कि वो भी उनके लेवल पे आ सकते हैं, वो भी डबल क्राउन डायरेक्टर बन सकते हैं, वो भी जागुआर गाड़ी ले सकते हैं, वो सर सिखा रहा है, आप दूसरे को मदद कर सकते हो, आप दूसरे को सिखा सकते हो, दूसरे प्रोफेशन में नहीं होता, एक डॉक्टर किसी दूसरे को डॉक्टर नहीं बना सकता, एक लॉयर दूसरे इंसान को लॉयर नहीं बना सकता, एक मंत्री किसी दूसरे को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता, लेकिन एक नेटवर्कर दूसरे को नेटवर्कर बना सकता है सर, दूसरे को कामयाब बना सकता है, दूसरे को सक्सेसफुल बना सकता है, ये मौका आपके पास है, आप हाथ पकड़ के बिजनेस को सिखाते हो उसको, कितने लोगों का जिंदगी आप बदल सकते हो आप सोच के देखो, भगवान ने आपको निमित्त बनाया है, ऊपर वाले ने आपको निमित्त बनाया है दूसरे की जिंदगी बदलने का, कितना बड़ा ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, ये सोच के देखिए आप। और मैं जो सब हर वक्त बताता हूं कि पूरे जिंदगी में एक इंसान जो कमाता है ना, वो आप यहां से 5 साल में कमा सकते हो, एक इंसान जो 50 साल में जितना कमाता है आप 5 साल में कमा सकते हो, 5 साल में आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हो, पूरे जिंदगी का इनकम एक इंसान 5 साल में 50 साल में जितना कमाता है आप पूरे जिंदगी का इनकम 5 साल में ले सकते हो, और फाइनेंशियली
फ्री हो सकते हो, इतना बड़ा मौका जो दूसरे प्रोफेशन में नहीं होता। पूरे दूसरे प्रोफेशन में आपको पूरी जिंदगी मेहनत करना है, पूरी जिंदगी आप गधों की तरह मेहनत करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, फिर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहां से आपको मिल सकता है सर, आपका खुद का पर्सनल डेवलपमेंट होता है सर, पूरा इंसान आप पूरे सर से लेके पैर तक ना पूरा चेंज हो जाओगे सर। पर्सनल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जितना कमा रहे हो वो अपने वैल्यू के ऊपर इनकम होता है सर, पूरा पर्सनल डेवलपमेंट। मतलब जिस दिन आप वेस्टिज में ज्वाइन किए थे, आप देख लेना, जिस दिन आप ज्वाइन किए थे 5% में थे, और जिस दिन आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे, जिस दिन आप इस बिजनेस में सक्सेस होंगे, उस दिन आप जो इंसान बनोगे और जो 5% वाला इंसान, ये दोनों अलग हो जाएगा। दोनों का बोलने का तरीका, चलने का तरीका, बात करने का, दुनिया को देखने का नजरिया, सब कुछ बदल जाएगा सर। क्योंकि ये बिजनेस पर्सनल डेवलपमेंट का बिजनेस है। टीम तो आपको बनाना है, लेकिन खुद का डेवलपमेंट पहले करना है। आप जैसे खुद को बनाओगे आपका टीम ठीक वैसे ही बनेगी, आप जैसे खुद को बनाओगे आपका टीम भी वैसे ही बनेगी सर। तो खुद का पर्सनल डेवलपमेंट भी आप इस जगह से कर सकते हो। एक सबसे बड़ा पॉइंट है, सक्सेसफुल लोगों का एसोसिएशन आपको मिलेगा। जितने लोग कामयाब है ना, अगर आपको कामयाब बनना है, आपको सक्सेसफुल लोगों के एसोसिएशन में रहना है। अगर मान लो आपके ऐसे दोस्त है, 5 दोस्त ऐसे है जो जुआरी है, आप जुआ नहीं खेलते, लेकिन आप जिस दोस्तों के साथ बात करते हो वो 5 दोस्त जुआरी है, गारंटी है अगला जुआरी आप बनोगे, अगला जुआरी आप बनोगे। मान लो आप ऐसे दोस्तों के साथ मिलते हो, हर वक्त बात करते हो, जो हर वक्त शराब पीता रहता है, जिसको ड्रंकर बोला जाता है, हर वक्त शराबी जिसको बोला जाता है, अगर आप शराब नहीं भी पीते हो ना, अगले शराबी आप बनोगे, कुछ दिन बाद आप बन जाओगे। तो उस हिसाब से आप इनकम अगर देख लो, इनकम आपको पता करना है ना, आप अपने जिसने दोस्त है, मान लो आपके दोस्त कोई महीने का 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहा है, आपका गारंटी है आपका इनकम कभी 1 लाख 2 लाख नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता सर, ये गारंटी है। अगर आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाना है, तो जो लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं उनके एसोसिएशन में आपको आना पड़ेगा सर, तब जाके आप कर सकते हो। एक सक्सेसफुल एसोसिएशन आपको यहां से मिलता है, जो लोग ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं उसके एसोसिएशन में आप रहोगे, आप ऑटोमेटिकली सक्सेस बन पाओगे। लेकिन फेलियर के एसोसिएशन में रहोगे, आप भी फेलियर बनोगे। क्या करना है खुद डिसाइड करो। तो सक्सेसफुल एसोसिएशन में अगर रहोगे तो आपका सक्सेस 100% गारंटीड है, कोई रोक नहीं सकता। 100% आपका सक्सेस गारंटेड है, कोई आपका सक्सेस रोक नहीं सकता सर, क्योंकि आपके सक्सेसफुल लोगों के साथ ही आप रह रहे हो। मान लो आपको एग्जाम में 90% मार्क्स लाना है, तो जो बंदा 90% ला रहा है, 80% ला रहा है, 85% ला रहा है, 95% ला रहा है, ऐसे दोस्तों के साथ अगर आप रहोगे तो गारंटी है आपको भी 90% मिलेगा। लेकिन अगर आप 40% वालों के साथ मिलोगे तो आपको भी 40% ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। सब एसोसिएशन का खेल है सर, किस एसोसिएशन में आप रहते हो उसका खेल है। तो यहाँ पे अगर सक्सेसफुल एसोसिएशन में आप रहोगे तो आपका गारंटेड सक्सेस है, कोई रोक नहीं सकता। और लास्ट ये बोल के मैं खत्म करूंगा सर, एक चीज हमेशा याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड का सबसे नोबेल प्रोफेशन है सर, वर्ल्ड्स मोस्ट नोबेल प्रोफेशन। क्यों? हेल्पिंग पीपल टू अचीव टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम। आप लोगों की मदद कर रहे हो कि वो टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम मिली है उसको। ये वर्ल्ड का नोबेल प्रोफेशन है सर, एक लौता नोबेल प्रोफेशन। और प्राउड कीजिए कि आप एक नेटवर्कर हो, मैं तो छाती ठोक के बोलता हूं सर। बहुत सारे लोग बोल ही नहीं पाते जब मार्केट में अप्रोच करते हैं ना, लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, उसको बोला जाता है कि भाई आप क्या करते हो, कोई अगर आपको पूछ ले, आपका कोई दोस्त रिश्तेदार पूछ ले, आपको शर्म आता है बोलने में। बताऊं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, आपके दिमाग में ऐसा घूमता रहता है सर। आज के बाद छाती ठोक के बोलिए कि मैं नेटवर्कर हूं, छाती ठोक के बोलिए सर कि आप नेटवर्कर हो। ये सबसे बड़ा चीज है, मैं प्राउड होके बोलता हूं कि मैं एक नेटवर्कर हूं, कि दुनिया का सबसे नोबेल प्रोफेशन है, जो एक इंसान आपका पूरा टाइम, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी एक दूसरे के डेवलपमेंट में लगाता है सर, दूसरे किसी प्रोफेशन में ही नहीं होता। तो आज से प्राउड होके बोलिए कि आप नेटवर्क। एक टीचर जो है वो बोलता है कि मैं टीचर हूं, जो एक्टर है वो बोलता है मैं एक्टर हूं, जो सिंगर है वो बोलता है मैं सिंगर हूं। तो आज के बाद आप भी बोलिए कि मैं एक नेटवर्कर हूं, प्राउडली बोलिए। ये सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्रोफेशन है, मैं आपको बता रहा हूं, मतलब पूरे वर्ल्ड का हिस्ट्री अगर आप देख लो ना, जो कंपनी आप विदेश फॉरेन में ऐसे ऐसे कंपनी है, मतलब जो 50 साल 60 साल 70 साल से चल रहा है,
फॉरेन में तो नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 100 साल से चल रही है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है। तो 50 साल 60 साल से जो कंपनी काम कर रही है, मैं किसी का नाम नहीं बता रहा हूं, वो कंपनी में जब स्टार्ट हुआ था, जो लोग स्टार्ट किए थे काम, वो बंदा अभी दुनिया में नहीं है, उसका मतलब थर्ड जनरेशन चल रहा है। जिसने स्टार्ट किया था उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, मतलब उसका पोता, जो पहला स्टार्ट किया था उसका पोता अभी उसके मतलब कंपनी में काम कर रहा है। जनरेशन वाइज कुछ भी ना करे ना, उसको महीने का 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ रुपया इनकम आता है, कुछ भी ना करे। ऐसे ऐसे बहुत लोग है सर फॉरेन में, आप जाओगे जर्मनी में जाओगे, यूएसए में जाओगे, आपको मिलेंगे, घर बैठ के कुछ भी ना करे 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ इनकम ऑटोमेटिक आता है। क्यों? उसका जनरेशन में उसका दद्दू, उसका फादर, उस किसी का फादर के फादर जैसे हम लोग बोलते हैं, उसका दद्दू वो बना के गया था। अभी जब दद्दू का जब फोटो लगता है ना, उसमें माला दिया जाता है, डेली पूजा किया जाता है कि दद्दू क्या काम किए थे भाई, ऐसा सिस्टम बनाया था, कुछ भी ना करूं 10 तारीख को पैसा आ जाता है, कुछ भी ना करूं अकाउंट में 5 करोड़ 10 करोड़ ऑटोमेटिक आ जाता है, क्या सिस्टम बनाया था, हर दिन उसको प्रणाम किया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्रोफेशन है सर, आप वो कर सकते हो। आप जब दुनिया छोड़ के जाओगे ना, तब आपके लिए भी आपके बेटे आपके पोते आपके फोटो में हार लगाएंगे, डेली पूजा करेंगे। इस बिजनेस में वैसा सिस्टम है सर, इसको पावर बोला जाता है। तो आज के बाद प्राउड होके बोलिए कि मैं नेटवर्कर हूं, मैं वेस्टिजियन हूं। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच सर आप सबके लिए। आशा करता हूं बहुत सारा चीज मैं क्लियर कर पाया, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, किससे आपका फ्यूचर बनेगा, क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए, एज अ करियर इसको लेना चाहिए। तो आशा करता हूं जो मैसेज मैं देना चाहता था आपके पास पहुंचा। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी के लिए, आपका हर एक सपना इस बिजनेस से पूरा हो, इस बिजनेस से आप हर एक सपने को पूरा कर पाओ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, एंड ओवर टू प्रवीर सर। वाव सुपर्ब एक्सीलेंट।